दिल्ली यूपी से राजस्थान तक इन राज्यों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी भारत में एक साथ दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है। बारिश के बाद न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही तापमान में गिरावट दर्ज होगी। उत्तर भारत में मौसम जल्द ही करवट लेने वाला है। IMD के मुताबिक दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभों की वजह से उत्तरी भारत में बारिश और बर्फबारी होगी। 17 अक्टूबर तक बारिश की बौछारें पड़ने वाली हैं, जिसके बाद ठंड का एहसास होगा। इसके अलावा केरल तमिलनाडु में भी अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। दिल्ली NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? दिल्ली NCR में सुबह सुबह ठंड का एहसास होने लगा है, हालांकि दिन में चिलचिलाती धूप से गर्मी का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली समेत NCR में सोमवार और मंगलवार को बारिश हो सकती है, जिसके चलते अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। इसकी वजह से अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आज कहां कहां होगी बारिश? मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश होगी। इसके अलावा कई राज्यों में तूफान और बिजली कड़कने की भी आशंका है। वहीं यूपी और राजस्थान में भी आज बारिश की आशंका जताई गई है। यूपी के इन जिलों में चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, संबल, बदायूं में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इसके लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार यमुनोत्री धाम और ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी होगी, जिसके बाद भविष्यवाणी सच हुई और यमुनोत्री धाम की ऊंची पहाड़ियां समेत सप्तऋषि कुंड में रविवार दोपहर तक जमकर बर्फबारी हुई। वहीं दूसरी ओर दक्षिण के राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यहां केरल और तमिलनाडु में पहले ही भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद मौसम विभाग ने अब अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके आते ही कई इलाकों में बिजली कड़कने और तूफान की आशंका है। 16 अक्टूबर को भी ग्वालियर, चंबल संभाग, उज्जैन संभाग, भोपाल संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग और इंदौर संभाग के जिले झाबुआ, धार में भी हल्के से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके साथ ही 17 अक्टूबर को ग्वालियर, चंबल संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग और कहीं कहीं पे हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर वज्रपात होने की आशंका है। राजस्थान में भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 16-17 अक्टूबर को मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी के चलते जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो वहीं दूसरी तरफ जोधपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान लगाया गया। बारिश की गतिविधियां 17 अक्टूबर को भी राज्य के कुछ भागों में जारी रह सकती हैं, जिससे मौसम में परिवर्तन और ठंडक होती हुई नजर आएगी। पटना में आज 1 से 2 स्थानों पर बादल छाए रहने के आसार हैं, वहीं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश भी होने की संभावना विभाग द्वारा बताया गया है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी बिहार व दक्षिण बांग्लादेश तक मॉनसून ट्रफ लाइन के प्रभाव से सोमवार को पटना समेत राज्य के 33 शहरों में बूंदाबांदी और सुबह में धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर आंशिक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान भी है। ये तो थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। UMB News के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।